हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिद्धांत पवार के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कैसे हो आप सभी। एकदम बढ़िया हो, पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास अपन लेने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन वॉइस चैप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इस चैप्टर में अपन बात करने वाले हैं, एडवांस लेवल की बात नहीं करेंगे, ना ही मॉडरेट लेवल की बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं आज की जो क्लास स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है कि उनका जो बोर्ड एग्जाम्स है वो नजदीक आ रहा है, आप सभी को अच्छे से पता है। और स्कूल्स में, कोचिंग्स में स्टाफ मेंबर्स जो है वो ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं स्कूल में अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की अगर बात करता हूँ तब, ठीक है, तो वहां के जो स्टूडेंट्स है वो बार बार यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का कोई ऐसा वीडियो सोल्यूशन हमें मिल जाए कि हमें किसी भी अदर टीचर के पास में जाकर के ट्यूशन क्लास न लेनी पड़े और हमारा जो है सारा एक ही जगह पे, एक ही मैटर में और एक ही वीडियो में सारा काम फिनिश हो जाए। तो ऐसा ही इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अप्रोच देने का प्रयास करूंगा कि हम सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है जिसका वेटेज 2 या 3 मार्क्स का होता है, जिसका वेटेज 2 से 3 मार्क्स का होता है, तो हम उस 2 और 3 मार्क्स को बिना ज्यादा मेहनत किए फटाक से इस वीडियो को देख करके आप बना पाओगे, ऐसा मैं गारंटी देता हूं सभी को। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। जिस प्रकार से मैं वीडियो में आपको बताऊंगा बिल्कुल उसी फुट स्टेप्स पे आपको चलना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जब अपन वॉइस की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन 2 प्रकार के सेंटेंसेस की बात करेंगे, जिसमें अपना पहला होता है एक्टिव वॉइस, सेकंड होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव का मतलब होता है जिसमें डूअर, जो काम को करने वाला होता है, जो करता है, जिसे अपन पब्लिक भी बोल सकते हैं, जनता भी बोल सकते हैं। इट मीन्स जिस व्यक्ति का आपको पता है भाई एक्टिविटी, काम करने में वो मेन रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस की अपन बात करेंगे, पैसिव का मतलब होता है डोरमेंट, यानी कि निष्क्रिय। जब कोई व्यक्ति खुद काम ना करके वर्ब के द्वारा, यानी कि ऑब्जेक्ट जब सेंटेंस में दिया गया है उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई काम करवाता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस वाला सेंटेंसेस। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, देखो ध्यान से, जब मैं एक्टिव वॉइस की बात करता हूं तो आपको पता होता है सर कि एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है, और हम उसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को अगर पैसिव में फ्रेम करेंगे तो हमारे पास में अप्रोच है वो किस प्रकार से होती है। ध्यान से देखो भाई, एक्टिव वॉइस का अगर कोई सेंटेंस है, सबसे पहले आपको उसमें क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता होगा, सब्जेक्ट के बाद में उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब होगी। बेसिकली सब्जेक्ट अगर मेरा सिंगुलर है तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है, सब्जेक्ट अगर मेरा प्लूरल है तो उसके साथ में आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है सर। चलिए, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो एक्शन है, जो काम है, वह मेन वर्ब कहलाता है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट अपना सेंटेंस में आएगा लास्ट में। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बतानी है मुझे चाहिए कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फ्रेम करते हैं सेंटेंसेस को, तो उस सेंटेंस में 3 चीजों का होना बड़ा ही अनिवार्य होता है, जिसमें पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब, तीसरा होता है मेन वर्ब, एंड चौथा होता है अपना कौन सा, ऑब्जेक्ट। अब जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की, तो इनका तो ज्यादा खास रोल नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो भी काम चल जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना सेंटेंस में बड़ा ही जरूरी होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अगर इसी सेंटेंस के पैटर्न को मैं पैसिव वॉइस में फ्रेम करना चाहूं, तो मेरा पैसिव वॉइस, अगर एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाता हूं, तो आप कहोगे कि इस वाले ऑब्जेक्ट को उठा करके मैंने सब्जेक्टिव पोजिशन पे रख दिया है। सब्जेक्टिव पोजिशन पे रखने का अर्थ क्या हुआ कि अगर मान लो आपके पास में दिए गए प्रोनाउंस आते हैं, कौन कौन से भाई, मान लो आपके पास में आई आया, या आपके पास में यू आया, वी है, अपना ही है, शी है, इट है, और किसी का नाम है जैसे राम वगैरह है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये अपने पास में जो सब्जेक्टिव पोजीशन पे आते हैं, ये अपने ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे आते हैं। जब हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं तो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे इनका कोई भी ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट ही होता है, और राम जो है वो राम ही रहेगा, क्योंकि नाउन को हम चेंज नहीं करते हैं, प्रोनाउन को हम वैसा का वैसा ही नहीं लगाते हैं, नाउन को हम वैसा का वैसा ही लगा देते हैं। इसके बाद अपने पास में दे और आता है एक सब्जेक्ट, उसका अपन बना देते हैं देम। तो ये टेबल आपको दोनों प्रकार से काम आएगी, अगर एक्टिव वॉइस में इनमें से कोई सा सब्जेक्ट दे रखा है इस वाली पोजिशन पे, सब्जेक्टिव पोजिशन पे, तो आप क्या करते हैं, इसका जब आप ऑब्जेक्टिव पोजिशन पे रखेंगे किसमें, पैसिव वॉइस में, तो आपको इधर वाली लाइन को फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे इधर वाले लाइन दे रखी है, यानी कि मी दे रखा हो, या यू हो, एस हो, देम हो, हिम हो, हर हो, इट हो, या कोई भी नाम हो, तो बेसिकली अपन उनको सब्जेक्टिव पोजीशन पे जब चेंज करेंगे तो मी का तो यहाँ पे आपको पता है आई हो जाने वाला है,
यू का आपको पता है यहाँ पे यू हो जाने वाला है, तो इट इज जस्ट इस टेबल के द्वारा आपको समझने में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर, बात करते हैं आगे। तो सब्जेक्ट जब आपका यहाँ पे आता है, इसके अनुसार आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद में आपको क्या लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। हमेशा मेन वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। इसके बाद में आपको बाय लगाना है या फिर कोई अन्य प्रेपोजिशन लगानी होती है। ठीक है, या फिर अन्य कोई प्रेपोजिशन होती है, जैसे एट हो गया, विद हो गया, आफ्टर हो गया, ठीक है, अबाउट हो गया। ये सारी जो प्रेपोजिशन है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यूज करनी होती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अब जो मेरे पास में लास्ट में बच गया, क्या ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट जो कि मेरा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव पोजिशन पे था, उसको मुझे चेंज करना है ऑब्जेक्टिव पोजिशन पे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को, आपको कमेंट करना है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वीडियो। अगर इससे आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको और क्या करना है, आपको कमेंट करना है, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि सर मेरे को यहाँ पे पॉइंट समझ में नहीं आया। माय व्हाट्सएप नंबर इज 9928764284। यू कैन कॉन्टेक्ट, यू कैन कॉल, यू कैन मेल एंड यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये तो अपना बेसिकली सा फॉर्मेट हो गया कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसे पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे, ये अपना हो गया पैटर्न की बात है। इसके बाद में हम वेरियस सेंटेंसेस देखेंगे जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ई ऐसे, वो चेंज किसमें होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा, हैज हैव किसमें चेंज होगा, ये सारी अभी अपन टेबल देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है टेंस से रिलेटेड चेंजेस की। तो अभी अपन ने पिछली वीडियो में, पिछले टाइम में हमने देखा था कि प्रोनाउन से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारी वो आती है टेंस से रिलेटेड चेंजेस की, जिसमें अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का मेरा निम्न प्रकार से आया गया है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में अगर आपको मालूम है, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आती है सेंटेंस में, या फर्स्ट फॉर्म के साथ में आपको एसी एस मिलता है, या मिलता है आपको डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डू डज के साथ में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो चेंज होगा पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको यहां पे हर एक सेंटेंस में जो कि मेरा पैसिव वॉइस का सेंटेंस फ्रेम करने के बाद बनता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको आवश्यकता के अनुसार यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अगर सेंटेंस मेरा इज एम आर प्लस वर्ब की आई एनजी फॉर्म पे बेस्ड है, के ऊपर बना हुआ है, जिसको अपन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहेंगे, तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो इज एम आर के साथ में बीइंग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ में वह लेकर के आता है। थर्ड कंडीशन है मेरी, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बनाया गया है, तो पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन होगा, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहा होगा तो हैज बीन आ जाएगा, प्लूरल रहा होगा तो हैव बीन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में बनाया हुआ है, तो हमको उसको बनाना है पैसिव वॉइस में वॉइस वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। ठीक है सर, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर वॉइस वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर पैसिव वॉइस में अपन इसको बनाएंगे, तो वॉइस वर्ब के साथ में आपको क्या लगाना है, बीइंग भी लगा देना है, और बीइंग लगाने के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर हैड आया है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपको बना देना है उसे हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यह हो जाएगा शैल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था अपना टेंस रिलेटेड चेंजेस का। इसमें अब ये देखेंगे आप, इसको पढ़ने के बाद में आपने जो एनालिसिस किया होगा, जो विश्लेषण किया होगा वो यही होगा, और आपका क्वेश्चन भी मुझे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। आप कहोगे सर क्या ऐसे टेंस भी होते हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते? हाँ बिल्कुल होते हैं। मैं कहूंगा कि जो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका अपन पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, फर्स्ट टेंस हो गया। दूसरा, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, दो टेंस हो गए। तीसरा हो गया फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, तीन टेंस हो गए। चौथा हो गया फ्यूचर का परफेक्ट, चार। और पांचवा है फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिनके पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं। जब नहीं बना सकते हैं तो इसका रीजन भी आप पूछोगे सर क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इधर देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला भाई प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या लेकर के आता है, हैज बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाता है। ठीक है, आप कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो भाई हैज बीन जो है, अगर बीन है
तो इसके बाद में आपको पता है भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो बी की फॉर्म्स का यूज करते हैं और बी की फॉर्म इसमें पहले से यूज कर रखी है बीन, जब इसे हम और चेंज करेंगे तो एक और बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी और बी की फॉर्म्स की यह विशेषता होती है कि वो एक साथ में दो कभी भी यूज नहीं हो सकती है। इसीलिए हम इन सेंटेंसेज में कौन कौन से में प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस से यूज नहीं करते हैं पैसिव वॉइस बनाते टाइम, ठीक है। तो ये जो अपनी टेबल थी वो आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है मेरा मॉडल से रिलेटेड, अगर कोई कंडीशनल आता है तो उसको हम कैसे बनाएंगे। भाई मॉडल से रिलेटेड तो अपनी कंडीशन बनती है, ध्यान से देखना आपको अभी पता लग जाएगा कि मुझे किस प्रकार से सेंटेंसेस बनाने हैं पैसिव वॉइस में, उनके एग्जांपल्स किस प्रकार से करने हैं। ये वीडियो छोटा होने वाला है क्योंकि यह वीडियो सिर्फ 10वीं क्लास के एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस अप्रोच को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है, ना कि यह आपको आईपीएस ऑफिसर सी अपना जो सीपीयू सीजीएल वगैरह क्रैक नहीं करवा सकता, ये पहले बता दिया जा रहा है आपको। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में इतना दम है कि 10th क्लास का स्टूडेंट अगर इन कंडीशंस को ध्यान से याद कर लेता है तो वह अपने एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स कभी भी नहीं छोड़ेगा गारंटी के साथ, ये आप लिख करके ले लो मेरे से। तो नेक्स्ट है, अगर मान लो मॉडल कोई भी आया है और मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मॉडल आया है और मॉडल के साथ में आपको हैव दे रखा है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इनको हमें पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है जरा आप ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो मॉडल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेम मॉडल रहेगा सेंटेंस में उसी जगह पे जहां पे वह यूज हुआ है, और उसके बाद में क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा मॉडल के बाद और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज कर देनी है। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर मॉडल के साथ में हैव है और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भी आपको वही मॉडल रखना है, और हैव दे रखा है तो हैव का साथ में क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने साथ में लेकर के वह आता है। तो ये तो हो गए सारे टेंस से रिलेटेड और मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड जो मेरे कॉन्सेप्ट्स बनती है वो सारे मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अब हमारे पास में टाइम आ गया है क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने का कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो किस प्रकार से अपने को बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो किस प्रकार से अपने को बनाना है, इंटरोगेटिव है तो किस प्रकार से बनाना है, डब्ल्यू एच ओ यानी कि हु से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसको अपने एग्जाम में कैसे क्लियर करने वाले हैं, इसके अलावा मॉडल से रिलेटेड है, डबल ऑब्जेक्ट वाला है या भी प्रेपोजिशनल अपना जो सेंटेंस आ रखा है प्रेपोजिशन वाला है उसको कैसे बनाना है, और अगर गोइंग टू से बना हुआ सेंटेंस है बी वर्ब वाले सेंटेंसेस बना रखे हैं तो हम उसको कैसे बनाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। टेंस से रिलेटेड चेंजेस के बाद में अब हमें देखना है कि क्या सेंटेंसेस में अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट आता है, बेसिकली अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन इट मींस समवन समबडी नो वन नोबडी एवरीवन एवरीबडी, ठीक है। इनडेफिनेट प्रोनाउन जो अपना एवरीवन एवरीबडी होता है और अपना जो होता है नो वन नोबडी समवन समबडी और ये जो अपने होते हैं क्या कहलाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसके अलावा अगर मान लो मेरे पास में पुलिस आ जाता है या पीपल आ जाता है, ठीक है, और आ जाता है मेरे पास में चिल्ड्रन, अगर ये होते हैं मेरे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट तो जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इनको अपने को बाय के साथ में एजेंट के रूप में नहीं लिखना होता। बेसिकली जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस में, जब उसको फ्रेम करते हैं तो पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को बनाते हैं लास्ट में ऑब्जेक्ट की पोजिशन पर रखने के लिए, तो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन होती है वह कहलाती है एजेंट की पोजिशन। तो बेसिकली इनका हम यूज नहीं करेंगे बाय के साथ में, इनको हम यूज नहीं करने वाले होते हैं। आप इन सारे वर्ड्स को ध्यान से रख ले, ध्यान में रखना है आपको। मैंने बोला है क्या, एवरीवन एवरीबडी समवन समबडी नो वन नोबडी, ठीक है, ये सारी कंडीशंस आपको मिल गई होंगी। एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कल करेंगे। बेसिकली आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय, चीयर्स। स्टोरेज खत्म हो गई।